मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार तो करते हैं, लेकिन जब मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो निराश हो जाते हैं। दिस इज नॉट लव। मुझे पता है कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर जब मैं बुरा बर्ताव करता हूँ, जैसे कि बाय मिस्टेक मेरे हाथों से कांच का ग्लास टूट गया हो, तो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और कभी कभी मुझे मार भी देती है। दिस इज नॉट लव। और कांच का ग्लास तोड़ना बुरा बर्ताव नहीं होता, वो सिर्फ एक बच्चा है। मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार करते हैं, पर वो मुझसे ज्यादा खुश तभी होंगे जब मैं एक अच्छा खासा जॉब करूंगा और उनके पसंद की लड़की से शादी करूंगा। दिस इज नॉट लव, इट्स अप्रूवल। सो वॉट इज लव? हेलो हैप्पी पेरेंट्स, मैं हूं आपकी पेरेंटिंग कोच दिव्या सुजन, और आज हम बात करेंगे कैसे अपने बच्चों को अपने अनकंडीशनल लव का एहसास कराएं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स उसे गोदी में लेके कहते हैं कि हम तुम्हें तभी प्यार करेंगे अगर तुम सुंदर बनोगी, अच्छे खासे कपड़े पहन के साफ सुथरी दिखोगी, स्पोर्ट्स में नंबर वन और स्टडीज में A+ पाओगी, और बड़े होके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लाओगी। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। हम अपने बच्चे से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा बच्चा है और वो खुद में एक ब्लेसिंग है। लव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर का मतलब है कि अपने टॉयज दूसरों के साथ शेयर करना, खेलने के बाद उन्हें वापस अपने जगह पे रख देना, प्लीज, थैंक यू या एक्सक्यूज मी कहना, पब्लिक में नहीं चिल्लाना, रात को बिना खिचखिच के टाइम पे सो जाना, ज्यादा नहीं रोना या फिर बच्चा कभी रोए ही ना, वगैरह वगैरह। एक पेरेंट को भले ही अपने बच्चे के सारे बिहेवियर्स ठीक लगे ना लगे, हम अपने बच्चे को बच्चा बनने की सजा तो नहीं दे सकते ना, उनसे प्यार करना तो नहीं रोकेंगे ना, जस्ट बिकॉज थिंग्स आर हार्ड एट टाइम्स। लव इज कंसिस्टेंट। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि पेरेंट्स को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने वीकनेस के वजह से ही बच्चों पे गुस्सा करते हैं। घर का सारा काम करके या ऑफिस से एक हेक्टिक रूटीन के बाद घर वापस आए और हमारा बैटरी ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे हो, और बूम, या तो बड़ा बच्चा कांच का ग्लास गिरा देता है या छोटा बच्चा पॉटी के साथ खेलते हुए दिखता है। होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बट यू नो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, कि हम अपने गुस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उनसे माफ़ी मांगे, ताकि बच्चा आपके गुस्से के पीछे आपके प्यार को समझे और महसूस करे, और हम अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी रोल मॉडल बने। मैं जब छोटी थी तो मुझे कंडीशनल लव मिलता था, और मेरे बड़े होने तक, यानी कि ऑलमोस्ट 25 इयर्स तक, मेरे दिमाग में यही स्ट्रांग बिलीफ बैठ गया था कि अगर मैं इस चीज़ को परफेक्टली करूँगी तो मुझे और प्यार मिलेगा। एक बच्चे की सबसे गहरी ज़रूरत है प्यार पाना, और वो अपने बाकी की ज़िंदगी भी लोगों के प्यार और अप्रूवल के लिए तड़पते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने बॉस, टीचर्स, फ्रेंड्स, लवर्स एंड सो ऑन। परफेक्शन एक एडिक्शन बन चुका है आजकल, और जिन जिन लोगों का ये एटीट्यूड होता है, आप माने ना माने, उनके पेरेंट्स का भी यही एटीट्यूड होता है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे के अचीवमेंट्स और परफेक्शंस के हिसाब से प्यार करते हैं, और बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उनके हिसाब से नहीं बल्कि उनके काम के हिसाब से उनको प्यार मिल रहा है। और एक सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट पेरेंट के लिए बच्चा कितना भी करे वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, और बेचारा बच्चा जिंदगी भर उस प्यार को पाने के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते ही रह जाता है। ऑफ कोर्स लव इज नेवर अर्न्ड। एनीथिंग वी अर्न इज जस्ट एन अप्रूवल, इट्स नॉट लव। लव बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इज अनकंडीशनल, इट्स अ गिफ्ट।